तो गाइस यार लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने और रॉनी ने अपने हैजमेट सूट्स को अपग्रेड किया, उसमें नाइट विजन लगाया और निकल गए फ्लीट एसएमपी में अपना सारा ओपी सामान लेने, और वो हम लोगों को मिल भी गया। बट दिक्कत वहां पर आ गई जहां पर हमारे हैजमेट सूट्स प्रेशर नहीं झेल पाए, और उसके बाद वही स्टार्ट हुआ जिसका हमें डर था। लेकिन इस बार हमारा नाइट विजन अच्छे से काम किया, बट जो चीज हमें दिखी वो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और अब आगे तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशु बेस्ट में, और आज हम लोग जाने वाले वापस से फ्लीट एसएमपी में। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा है लाइक वाला बटन दबा दो, 100 के लाइक का गोल, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस सब्सक्राइब वाले बटन पे जल्दी से प्रेस करो गाइस, 3 मिलियन भी देखने यार जल्दी से, खैर पहले तो 2.6 देखने, जल्दी से सब्सक्राइब करो और चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का फ्लीट एसएमपी में। एक टाइम पे लिटरली नेदरराइट के आर्मर से खेल रहे थे भाई हम लोग, भाई लिटरल हम लोगों को नेदरराइट का पूरा अपना आर्मर मिल चुका था, सब कुछ हो गया था, इतना खतरनाक हैजमेट सूट था। और आज पता नहीं कहाँ पर जंगल के बीच में रेफ्यूज लेके रह रहे हैं भाई, वो तो धन्यवाद है भाई इनका, ये जो भी हैं भाई। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि हुआ क्या भाई, लिटरली वो मॉन्स्टर एंटिटी जो भी चीज़ थी भाई, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा था, और उसने हम लोगों को सिर्फ अपना एक ट्राइडेंट फेंक के भाई सीधे ख़त्म कर दिया, उसने सीधे मार दिया हम लोगों को, उसने कोई चांस भी नहीं दिया हम लोगों को। और मेरा तो तब भी ठीक है भाई, मैं और रोनी कैसे ना कैसे करके भाग तो गए, बट अब रोनी की हालत एकदम खराब हो चुकी है, पता नहीं क्या आएगा आएगा वापस आएगा, पता नहीं क्या हो गया, पागल है क्या, सबको मारेगा सबको मारेगा ये। अरे यार पता नहीं इसका क्या होगा भाई, लेकिन इसको सही करने के लिए मैंने एक डॉक्टर की लाइक चिट्ठी लिखी हुई है कि डॉक्टर भेज दो करके, पता नहीं कैसा डॉक्टर भेजेंगे, बट एक बार ही डॉक्टर आ जाओ और इसको देख ले भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अब हम लोग ना कहीं और वर्ल्ड पर भाई कहीं और ही चले जाएंगे भाई मस्त करके, वहाँ पर एकदम नई स्टार्ट करेंगे, जीरो से घर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन बस ये सही हो जाए भाई। पागल हो चुके, दिन भर पत्थर पकड़ के हाथ में पता नहीं क्या घुमाते रहता है, एक बार तो इसने ये जो बंदे ने हमें बचाया है इसको भी मार दिया था भाई, इसकी आँख फोड़ दी है उसने भाई, अलग ही चल रहा है भाई, पता नहीं अब ये डॉक्टर डॉक्टर का देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए तो मैं जाता हूँ भाई, वरना ये मुझे मारेगा भाई, हम लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए रखा हुआ है उसने, और रोनी की भी भाई पगार मेरे को ही भरनी पड़ती है, पता नहीं देखते हैं भाई, एक डॉक्टर आ जाए बस फटाफट, उसके बाद बताता हूँ मैं। भाई मेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या, जैक भैया अरे कोई है यहाँ, मैं भी भ्रम हो रहा होगा, अरे बहुत जैक है यार दुनिया में वैसे भी, मैं भी क्या पता यही हो, लेकिन एक मिनट ये डॉक्टर तो नहीं है कहीं, है ना भाई, हेलो कहाँ गया, अबे डॉक्टर साहब, अरे है ना भाई कहाँ है डॉक्टर, कहाँ से, पीछे देखो पीछे, एक मिनट, हम खो रहे हैं, अबे जैक तू क्या कर रहा है भाई यहाँ, इसको किसने बुलाया भाई, ये क्या कपड़े पहन के आया हुआ है, तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं तो डॉक्टर हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हो, अबे तू डॉक्टर है ये भाई हमारा वर्ल्ड है भाई, ये तू कब डॉक्टर कब से बन गया तू, कल तक तो भाई तेरे को ब्लॉग लगाने नहीं आते थे साले, जीरो IQ पर्सन डॉक्टर के कपड़े पहन के घूम रहे, कहाँ से चुराए पहले तो ये बता ये कपड़े सारे तूने, अरे भैया मैंने एक बुक पढ़ी थी 30 दिन में डॉक्टर के, इसने एक किताब पढ़ी है 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने, अब मैं सारे गांव का डॉक्टर हूं, बस भाई यही है मेरी किस्मत भाई, जाता हूं पुराने वर्ल्ड में तो कोई पता नहीं क्या भूत जैसा आ जाता है, उसके बाद मेरा दोस्त पागल हो जाता है, और फिर मैं कोई डॉक्टर बुलाता उसको सही होने, तो ये मिलता है मुझे ये जैक डॉक्टर के कपड़े पहने हुए, आ जाओ डॉक्टर साहब आओ, पेशेंट तो देखो अपना, लाओ मरूज दिखाओ साथ, सही करता हूँ सही करता है, हाँ देखते हैं हम भी, जा 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 ना, जा मरीज देख के आ भाई, जा मरीज देख के आ, यहीं रुको आप, मैं रुका हूँ तू जा 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 देख के आ मरीज दिखा, हाँ रुका हूँ मैं, चल चल भाई, हो क्या रहा है अंदर, भाग जा ऐसे भाई, सब मरेंगे, ये भी उनके साथ मिला हुआ है, मरेंगे मरेंगे, चुप हो जा चुप हो जा, बैठ वहां पे बैठ वहां पे, रोनी पागल कहीं का, ये क्या है, ये कौन है पागल, हाँ डॉक्टर साहब, जैक डॉक्टर साहब, हो गया आपका,
बुलवा दूं आपके लिए भी, लिख दूं एक चिट्ठी, एक और डॉक्टर बुलवा दूं ये साफ करने के लिए। अब बोल रहा था मैं यार, इसके बस का कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये कष्ट है भैया, इसे बीमारी नहीं है। बस भाई 30 दिन वाली किताब पढ़ो, उसमें कौन सा ही कोई सिखा रहा है दिमाग के बारे में, बस भैया से हुआ नहीं तो ये कष्ट है, वो कष्ट है। भाई कोई दूसरा डॉक्टर बुला लूंगा मैं, तू टेंशन मत ले, तू निकल 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 यहाँ से। देखो एक बार हालत देखो इसकी भाई, खुद पत्थर खा। अरे भैया मैं किसी को जानता हूँ जो इसे सही है भाई, फ्लीट एसएमपी में हमने खेला है, तू कैसे जानता है, और तू ले जा पाएगा हमको उसके पास अगर जानता भी है तो? मैं सारे गांव का डॉक्टर हूँ, सब जानता हूँ। डॉक्टर तो नहीं है ये बाकी, लेकिन एक शर्त पे ले जाऊंगा। हाँ हाँ बता बता शर्त क्या है, शर्त बोल शर्त बोल। मेरी मलम पट्टी करवाओ। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और इस पागल की हथकड़ी लगवाओ। अरे मार क्यों रहा है, लगवा देंगे ना, कर देंगे कर देंगे। चल अभी चल, तेरी पहले मरहम पट्टी करवाते, आ जा। पता नहीं भाई होता ना वो, भाई खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाहर आने, भाई मेरे को लग भी नहीं रहा है किसी के पास ले जाके आएगा हमको। बस खाली खाना दे दो भाई, ले जा सब मेरे से ले ले, आ जा आ, खाना भी ले ले, आ जा हाँ, ये देख रहे हो तुम लोग, सब सब ले ले, ले भाई। गोल्डन ऐप, गोल्डन एप्पल खाएगा, शकल देखी अपनी, गोभी जैसी शकल वाला गोल्डन एप्पल खाएगा। यहाँ हमने नहीं देखे कब से गोल्डन एप्पल, इनको खिलाना है सांप को। हाँ तो जैक ठीक है, तेरी मरम पट्टी भी हो गई, अब चले फटाफट भाई, रात हो रही है, जल्दी चलते ना। नहीं अरे भाई इस बंदे का पूरा मैंने स्टिचेस कर दिए, सब कुछ सही कर दिया, और अभी ड्राम। अरे वो पागल को पहले हथकड़ी पहनाओ, मैं नहीं चलूँ। अरे यार भाई हाँ ठीक है, 2 मिनट रुक, आ रहा हूँ मैं। रॉनी, ओए रॉनी, सब मरेंगे सब मरेंगे। नहीं भाई सुन सुन, ये तुझे पहननी पड़ेंगे ठीक है, ये हथकड़ियाँ पहन ले ठीक है। नहीं भाई मैं नहीं पहनूंगा भाई, मार देगा वो। अरे यार भाई तेरी भलाई के लिए पहन लेना यार। नहीं भाई मार देगा वो मेरे को भाई। अरे तू मुझ पे भरोसा रख यार, मैं बचाऊंगा तेरे को, ये देख मेरे पास एक्स भी है भाई, तू टेंशन मत ले ठीक है, तू पहन ले इसको। पक्का बचाओगे? अरे पक्का बचाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या, पहन लेना ठीक है ठीक है, ये पहन के बाहर। भाई यार कैसे दिन आ गया, अपने दोस्तों को हथकड़ियां पहनानी पड़ रही है यार, रियली सॉरी भाई। लेकिन भाई मेरे को प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो दो, पत्थर दो मेरा यार। पत्थर तो नहीं है, ये रख ले ये ले ठीक है, तो हमें रास्ता दिखाते हुए चलना ठीक है। आजा आ मेरे दोस्त, आजा जैक बेटे, सबको मार देगा वो। अगर तूने सही जगह नहीं लेके गया ना भाई, मैं बता रहा हूँ तुझे, बैठ जा आजा आजा आजा, बादल पे बैठ जा रोनी। हाँ बस बढ़िया, इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा भाई, ये जान लग। अरे चलो चलो मेरे पीछे, तू ले जाएगा कैसे भाई, तेरे पास कुछ है भी, तुझे पता भी है कुछ, इसको आता जाता भी है कुछ? सबको मार देगा वो। अरे तू चुप हो जा यार भाई, मार देगा मार देगा, बोल बोल के ही मार देगा ये तो। अरे भाई चल ले, तू आगे चलेगा, हम तेरे को लेके जाएंगे। क्या बंदा है ये पागल भाई यार। एक तो मेरे पास मैप है, कौन सा मैप है पता नहीं भाई यार। अब चलो इसके भाई देख रहे हो कैसे दिन आगे जैक। अरे यार तू यार मेरा घोड़ा, अबे लीड कहाँ चलेगी मेरी, मेरे पास है। अरे भाई यार दे रॉनी रॉनी प्यार से दे बेटा, मैं तेरा अरे यार इसको पत्थर देना पड़ेगा भाई यार, ये ले रॉनी ला, फेंक इसको फेंक, मैं फेंकूंगा फिर ठीक है, मैं पत्थर, सॉरी हाँ रॉनी भाई तेरे को पत्थर नहीं दे सकते यार, तू पता चला किसी को मारे रहेगा ठीक है भाई। चीटिंग करते हो, तुम्हें भी मारेगा। अरे नहीं मारेगा यार इसको भाई, यार इसके भाई बोल बोल के यही मरवा देगा भाई। अरे आ रहे भाई, धीरे धीरे चल ले थोड़ा भाई, घोड़ा खींच के लेके आना पड़ रहा है पूरा। अरे भाई ओ जैक यही, ये कहाँ है भाई तेरा वो किसका ले जा कहाँ। अरे तू जानता किसको है पहले ये तो बता दे थोड़ा सा एटलीस्ट भाई, किसको जानता है, कहाँ ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है पता नहीं, इसको कहाँ से ये सब अभी एक ये पता नहीं एक मिस्टीरियस। अरे भाई मरेंगे भाई ठीक है भाई, सपने ही मरना है, इतने परेशान कर दिया मिस्टीरियस प्रीस्ट। अरे ले तो चल भाई यहीं यहीं चलो भैया, खुद नहीं चल रहा है मुझसे चलो कह रहा है, क्या गधों के बीच में फंस गया हूँ भाई, ऐसा लग रहा है सैंडविच हो चुका है भाई, आगे एक गधा चल रहा है, पीछे एक घोड़े पे गधा बैठा हुआ है, चलो सब मरेंगे। अरे भाई मर अरे कहाँ रह गया, अरे यार ये फिर लीड ना ले ले बस, कहाँ की लीड, अरे मेरे पास है पत्थर दो।
ये ले ले, मैंने फेंक दिया पत्थर, ये देख तेरे पीछे फेंका हुआ मैंने, ये पत्थर का मेरा, बहुत बढ़िया, वाह बेटे वाह, देख रहे हो पागल ही हुआ है भाई, सही में पागल हो चुका है, अब पागल को पागल नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, पत्थर दे दिया, पता चला फेंक के मेरे ही सर में मार दिया पीछे से। फंसा दिया भाई, दौड़े जा रहे चले जा रहे तब से, ये पागल एक मेरे पीछे पड़ गए, और लेग टूट गई भाई, अरे रुक जा रुक, अबे भाई नहीं रुक यार, घोड़ा भी मरवा दिया, एक घोड़ा था बेचारा बादल, ये देखो भाई घोड़े की मरते ही बारिश भी हो गई, अब कहाँ जाएंगे, ओ भाई ओ समझदार जैक, अरे भैया मेरे पास आइडिया है, क्या आइडिया है तेरे पास, अब वो भागते रहेगा इधर उधर, एक मिनट ये कैसी बारिश है भाई, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पर घोड़ा मरा है वहां पे बारिश हो रही है, कोई नहीं बचेगा, इसे फिशिंग रॉड से बांध लो, हाँ बहुत बढ़िया, वैसे ही उसका दिमाग खराब है, उसके सर पे एक और फिशिंग रॉड का हुक भी मार देते हैं ना, अबे तू ये बता तेरे को ये मैप कहाँ लेके जा रहा है भाई, ये बंदा तेरा मिस्टीरियस प्रीस्ट है कहाँ पे भाई यार, एक वो पागल घूम गया है बिल्कुल, वो देखो अरे भाई रेत में मत घिस अपना मुंह यार, क्या है ऐसे गधों के बीच में, यही है वो भैया मैप में, तो तेरा तू और तेरा मैप, तूने दिमाग खराब कर दिया है, रॉनी मेरे पीछे आ भाई, मैं तेरे हाथ की हथकड़ी खोल दूंगा अगर तू मेरे पीछे पीछे चलेगा तो, आजा सब मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे भाई मर, ओए ये देखो, अरे यहां सारे यहां, ये क्या, ये सुअर भी सबसे मिला हुआ है, अरे यार तू सुअर चुप हो जाता भाई, ये क्या जगह है, ओ भाई ओए जैक मरा, जैक मरा भाई यार, जा अपना थोड़ा ख्याल रख ले भाई, ओ रॉनी ओ भाई थोड़ा नीचे आ जा, तेरे हाथ की हथकड़ी खोल दूंगा, यहाँ पर इधर तेरे हाथ की हथकड़ी खोल दो, आ जा ये देख मेरे हाथ में क्या, ये देख तेरा पत्थर चाहिए भाई, जैक क्या करना है यहाँ पर, कौन है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कोई है भी नहीं है भाई, देखता है ऐसी गंदी जगहों में जाके फंसा देते हैं ये लोग, ओ बाबा अब डे, पिक्सल अबे ओए पिक्सल, अबे रॉनी अबे अंदर आ भाई, कहाँ गया, पिक्सल ओ भाई, पिक्सल ये नाम तो कोई सुना सुना सा लग रहा है, अरे तुझे सुना लग रहा है, तेरा ही तो नाम पिक्सल है भाई, क्या पागल, मेरा नाम सारे, अच्छा हाँ मेरा नाम है, ये तोड़ क्यों रहा है ये सब इधर, ये लगता है कुछ देख के आया जो देखना नहीं चाहिए था, हाँ ना मैं बता रहा हूँ भाई, हम लोग फ्लूट एसएमपी में गए थे ये और मैं, और उसके बाद हम भाई हंस के आ रहे हैं, अब वो तो क्या है, नाम उसके ऊपर हो चुका है जो इस पे राज करता है अब, अरे कौन राज करता है भाई, क्या पागल हो गए, वो गॉड है एक, गॉड एंडर गॉड, मर जाएंगे एंडर गॉड, सब मर जाएंगे, अरे तू चुप रह यार रॉनी, कौन में जा, अरे बेफालतू का पागल हो चुका है भाई, क्या उसका नाम एंडर गॉड है और इस वर्ल्ड का नाम एंडर वर्ल्ड है अब, वो सबके ऊपर अब राज करता है, अरे यार ये सब फालतू की बातें छोड़, ये बता तेरे को रॉनी कैसे सही करूं मैं इसको, पागल हो गया ये, वो गॉड एक्चुअली पहले अच्छा हुआ करता था, एक मिनट है, अरे भैया ये देखो अलग तरह का पिग मिला है मुझे, जैक तुझे बाहर आके ही डंडे मारूंगा, यहाँ अंदर इतनी जरूरी बात चल रही है, उसे सुअर मिला है, इसका नाम तो देख, अगर तू दोबारा बोला जैक मैं वहीं आके मारूंगा, बता रहा हूँ चुप हो जा, बढ़िया, क्या पिक्सल क्या बोल रहा था भाई, मैं कह रहा था कि हमको हर चीज का सलूशन मिल सकता है, बस हमको वो ढूंढना चाहिए, ये प्रीस्ट जैसी बातें अगर तूने मेरे सामने करी ना भाई, यही एक्स से मारूंगा, सही सही बता कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, अच्छा वो ना एक्चुअली था क्या, वो जो एंडर गॉड था ना, वो पहले अच्छा हुआ करता था, अच्छा? और वो सबकी इन सारी गॉड्स की इनक्रिप्टिंग करता था वो रून की रूइंस में, लेकिन फिर क्या हुआ, वो लालच में आ गया और अब वो ऐसा बन चुका है, अरे यार मैं ये तेरी नॉलेज से क्या करूं, किताब लिख दूं एक, हाउ टू बी अ गॉड बैड गॉड, ऐसे करके किताब लिख दूं भाई, क्या करूं मैं इस नॉलेज का,
अरे लेकिन उन रूइंस में हो सकता है कि इसको ठीक करने का कुछ हमको सोल्यूशन मिल सके। अरे तो तू इतने घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहा है भाई, ये चीज पहले बतानी थी ना। लेकिन तेरे को पता है ये केव है कहाँ पे? हाँ हाँ जैसे मुझे पता है कि वो केव एग्जिस्ट करती, वैसे ये भी पता है कि वो केव कहाँ पे है। मेरी चप्पल का है भाई, तो घुमा के बातें क्यों कर रहा है, बता ना वो केव कहाँ पर, जल्दी चल भाई। नहीं 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 चलूंगा नहीं मैं, मेरा मन तो बहुत कर रहा है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? वो देख तेरा दोस्त कैसे पागल हो चुका है और तू कह रहा है कि तू चलेगा नहीं। मुझे मन तो कर रहा है चलने का, लेकिन मैंने इन सब चीजों से संन्यास ले लिया है। मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ पे है बस। अरे किन सब चीजों से संन्यास ले लिया है भाई? तुमने दोस्तों को मदद करने से संन्यास ले लिया है क्या? मैंने मार पिटाई और इस सब से संन्यास ले लिया, अब मैं इधर नहीं जा सकता हूँ। भाई तुम्हें मार पिटाई करनी भी नहीं पड़ेगी। अरे मैं हूं ना भाई, तुम टेंशन मत लो, तुम बस हमें केव तक ले जा दो। अगर ऐसा है तब तो मैं शायद चल सकता हूँ। हाँ तो भाई फटाफट चलो फिर, और ये जरा जो ये नंगे पुंगे खड़े हो, थोड़ा कपड़े वपड़े डाल लो, थोड़ा बढ़िया ये थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बना लो भाई। ओ भाई ओ बाहर को आजा बाहर। ओ ओ ये देख ये देख ये देख पत्थर तेरा, ये देख आजा आजा रोनी तेरा पत्थर ये ले। एक बंदे भाई इसका, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं भाई। रुक जा जरा, उसको देख रहा है ऊपर वो जो नाच रहा है इधर उधर, भाई उसका स्क्रू ढीला है, वो भाग जाएगा कभी भी कहीं भी। एक इतने मुश्किल से तो ये पत्थर दिखा दिखा के उसको इधर उधर लेके, इस पे ले चलते हैं, किस पे ले चलते हैं ये? ओ रॉनी, ओ एक मिनट पिक्सल, ये वही सुअर है क्या जो हम लोगों ने फ्लीट पुराने अंडरवर्ल्ड में बना रखा था? अरे भाई लेकिन इस पे लेके कैसे जाएंगे? इसके लिए भी मेरे पास औजार है। अरे तो भाई खड़ा क्या है यहाँ पर, ला के देना फटाफट। तो मैं और भी कुछ अच्छी चीजें लाता हूँ। ओके क्या अच्छी चीजें भाई? ए जैक, ए ए तू उतरेगा यहाँ पर से हैं? तेरे ले है ये, लगता तू बहुत बढ़िया रहा है एक सुअर के ऊपर दूसरा सुअर। अरे ये टॉर्च क्या लेके आ रहा है यार, कुछ काम का सामान भी लेके आए या ऐसे ही बस? है ना, अरे है ना, ये देखो ये रखो आप और ये रखो। उरो डायमंड का भाई, हेलो। बाकी इसको इसको कुछ दूं मैं, ये जो इधर घूम रहा है? अरे देना पड़ेगा ना, दे दे भाई, दे 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 इसको भी तो। ठीक है चलो दे ही देता हूँ। हाँ। ये ले रॉनी, हाँ। ये कच्चा पहन ले और एक ये रख ले भाई इधर। हाँ। रॉनी हेलो, इधर इधर देखो भाई। वाह क्या भाई, कितनी पावरफुल पिकैक्स दे दी यार रॉनी, वाह यार। और मरेंगे इसी से, मरेंगे साहब। अरे यार दो मिनट चुप। अरे भाई भाई जैक भैया को डायमंड ही डायमंड दे दिए यार, वाव। ठीक है फिर चले, हो गया। अरे पिक्सल वो सुअर को चलाने के लिए तो कुछ दे, रॉनी को कैसे ले जाऊंगा मैं वहां तक? अरे मुझे ये लो, ये लो। वेपन दो ना। अरे इसको भी कुछ वेपन दे दे यार, कुछ वेपन चाहिए क्या? अच्छा ये लो ना, ये लो पकड़ो, अच्छा वेपन है काफी। मेरे साथ ऐसा क्यों, मुंह बंद कर अपना, फटाफट देना कुछ, देना उसको चलाने के लिए भी तो दे। ये लो ये लो ये लो। हाँ बढ़िया रॉनी, ये देख ये तेरा पत्थर, ये देख प्यारा पत्थर तेरा, ये देख मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ठीक है, ये देख तेरा पत्थर उठा लेना ठीक है, उठा ले इसको उठा ले। हाँ ये देख तेरा दोस्त भी है यहाँ पर, इसमें भी बैठ जा बैठ जा। ये देख अगर इस पर बैठेगा तो चार पत्थर और दूंगा ठीक है। वेरी गुड, चलो भाई अभी हम लोगों को क्या, हम इसको ऐसे लेके जा सकेंगे? आ तो रहा है भाई, बड़ी तेजी से आ रहा है भाई। चल पिक्सल रास्ता दिखा भाई, लेके चलते हैं। चलो मेरे पीछे आओ यार भाई, यार ये सुअर ना भाग जाए बस। आजा आजा फटाफट आ जाओ भाई, आज ही जाना है। पिक्सल सही जा रहे ना? हाँ हाँ सही जा रहे एकदम। ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे रवीन है ना? ओ तो भाई एक काम करते हैं, सुनो सुनो अपने पास थोड़ा बहुत आर्मर तो है ही राइट, और हमें भाई अगर पिक्सल ने बोला है कि फाइट वाइट का सीन हो सकता है तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग सबसे पहले अपने एटलीस्ट आर्मर तो बना लेते हैं सारा का सारा आयरन का ठीक है। तो चलो सारे के सारे फटाफट से चलते हैं और एटलीस्ट अपने लिए आयरन का आर्मर तो बना लेते हैं यार, बहुत आयरन है भाई यहाँ पे। हाँ और ये डायमंड मुझे कहाँ, ये कहाँ पर है ये? इतने डंडे मारूंगा ना ऊपर ही आके, डायमंड ये की चीज़ है। बहुत बढ़िया, क्या ही एमएलजी करी है भाई, वाह।
मर गया होगा ये, ऑलमोस्ट बच गया थोड़ा सा। ओ भाई रुको जरा मेरे पास, अरे यार मेरे पास टॉर्च भी तो नहीं है। किसी के पास कोल या कुछ है क्या, वुड वुड कुछ पड़ा हुआ है? भाई बहुत सही रवीन है ये, मेरे पास लड़की है। अबे लड़की नहीं, लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, हाँ ला लकड़ी दे दे थोड़ी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, मेरे पास लड़की है, बातें सुनो इसकी भाई। क्या पता नहीं गधा भाई, चलो थोड़ा तो काम आया पहली बार भाई जिंदगी में। अभी हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मिल जाए और थोड़ा बहुत कोल भी मिल जाएगा ना अगर, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट लगा दूँ भाई। तो गाइस ये रवीन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के बाद हमें पता चला है कि ये 2 रुपए की रवीन भी नहीं है भाई। यहाँ पे लिटरली हम लोगों को बस जितना आयरन मिलना था वो स्टार्टिंग में मिल गया और उसके बाद कुछ भी आयरन नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट डिगिंग करनी पड़ेगी ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आयरन का एटलीस्ट अपने सामान बना पाए। तो चलो चलते हैं जितना ज़्यादा डीप। देखो ये देखो, ओ भाई व्हाट, ओ भाई ऑलमोस्ट मर गया था मैं भी भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा था। क्या सही जगह है ये, ओके ज़्यादा लाइटों का बर्बादी नहीं भाई। भाई साहब रुको जरा नीचे जाके देखते हैं भाई, मेरे को लगा था मैं इनमें से स्पाइक में से एक में गिर जाऊंगा भाई। दिखने की तो बहुत अच्छी जगह है, बस थोड़ा आयरन भी मिल जाएगा ना। ओ ये कितनी डीप केव है भाई, ये भाई डेंजरस भी है, बहुत मॉब्स होंगे इधर पे, तुम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। माइंड शाफ्ट है यहाँ, ओके भाई यहाँ तो भाई माइंड शाफ्ट ही मिल गई है वहां, मजाक मजाक में नीचे गिरते गिरते। भाई यहाँ पर तो गारंटीड आयरन और गोल्ड होगा भाई, दबा के आयरन और गोल्ड मिलने वाला है गारंटीड भाई। क्या आयरन भाई साहब, भाई क्या ही किस्मत चमकी रे एकदम से। देयर वी गो, अपने पास कितना 7 आयरन हुआ है ना अभी तक का, तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा यार भाई। एमेथिस्ट जियोड, क्या जगह है भाई ये। अभी मैंने अभी गलती कर दी थी बहुत बड़ी वाली भाई, मैं पागल हूँ क्या भाई। भाई भाई अभी डायमंड खोद दिए थे भाई स्टोन की उससे पिकैक्स से भाई। भाई सारा आयरन लेते हैं, पहले आयरन की एक पिकैक्स बनाते हैं फिर वो डायमंड उठाते हैं भाई। अगर एक बूट बनाने लायक भी डायमंड हो गए ना भाई तो बहुत क्रेजी चीज़ हो जाएगी। 4 डायमंड अगर उस वेन में मिल गए तो, वैसे मुश्किल होता है, डीप स्लेट में ज़्यादातर एक ही डायमंड मिलता है ठीक है, मैंने ये चीज़ देखी भी है। लाइक अगर तुम्हें एक डायमंड दिख रहा है ओपन में तो वो एक ही डायमंड होगा, दो नहीं होंगे। तो एक बारी पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये काटने पड़ेंगे हमको। देयर वी गो, क्योंकि मैं क्राफ्टिंग टेबल नहीं लाया अपने साथ, तो ये काट लेते हैं और उसके बाद इससे क्राफ्टिंग टेबल बना के मस्त करके यहाँ पे रख के, जब तक ये अपना स्मेल्ट हो रहा है ना हम लोग थोड़ा सा और वुड ले लेंगे और थोड़ा सा और आयरन भी दिख गया हम लोग के यहाँ पे, मस्त करके ये आयरन भी तोड़ते हैं। वैसे हमारा मेन काम तो होगा आयरन की पिकैक्स बनाना ताकि हम लोग ये डायमंड्स निकाल पाएं। और एक बार देखते हैं भाई किस्मत अच्छी हुई तो नहीं है। देखा मैंने तुम लोगों को बोला था भाई, अगर तुम लोगों को 1.18.1 में कहीं खुली जगह पे डायमंड दिख रहा है ना तो समझ जाओ कि वो एक ही। ओके मे बी मैं गलत, हाँ मैं गलत, गलत होने की इतनी खुशी कभी नहीं हुई होगी मुझे। 2 डायमंड मिल गए हैं भाई, 2 डायमंड से एटलीस्ट हम लोग अपने लिए एक स्वॉर्ड और बना सकते हैं, या फिर देखते हैं मतलब अपने लिए बनाएंगे या फिर थोड़ा बहुत गरीबों में चंदा दे देंगे। भाई वो बेचारा शेयर्स से लड़ने वाला है वो जैक, तो उसको भी दे सकते हैं मे बी, लेकिन अभी के लिए देखते हैं फटाफट से जितना हो सकता है। ये सारा का सारा वुड जमा करते हैं और चलो भाई। तो गाइज अपने पास एटलीस्ट एक पिकैक्स बनाने लायक आयरन तो हो चुका है और भी आयरन स्मेल्ट हो रहा है, बट उससे पहले सबसे पहली चीज़ हम लोग ये प्यारे प्यारे डायमंड्स उठा लेते हैं भाई। एटलीस्ट हम लोगों को 2 डायमंड्स तो मिल गए और ये 2 डायमंड से हम लोग एक स्वॉर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, शवल बनाना आई डोंट थिंक सही काम रहेगा। तो हम लोग एक स्वॉर्ड बनाए थे, ये हम लोग मे बी उसको दे देंगे, क्या कहते हैं अपना ये जैक को दे देंगे, क्योंकि भाई वो शेयर से कैसे लड़ेगा भाई, मेरे को कोई समझा दो यार, ये शेयर से कैसे लड़ेगा वो। एक काम और हो सकता है, हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर सारा का सारा सामान जो है ना अपना, उसको स्मेल्टिंग में लगा के हम लोग चलते हैं और देखने की ट्राई करते हैं अगर यहाँ पर कुछ चेस्ट हैं या नहीं। अगर मिल गए ना भाई तो हो सकता है हम लोगों को गोल्डन एन्चांटेड एप्पल भी मिल जाए इसके अंदर, क्या पता भाई, किस्मत अच्छी लग रही है आज। ओ एक मिनट,
अरे यार मेरे को सही में लगा भाई, क्या पता गोल्डन एप्पल मिल जाए, लेकिन ठीक है हम लोगों को थोड़ी बहुत ग्लो बेरीज मिली है, मेरे को पता नहीं मैंने कभी खा के नहीं देखी ग्लो बेरीज, तो वो भी चीज़ है। और बाकी अगर अगर हम लोगों को एक और चेस्ट मिल जाए तो बोलने वाला था मैं, और ये मिल गया हमको, कितना कितना अच्छा चेस्ट है देख रहे तुम लोग, वाह मतलब यही तो आदमी ढूंढने आता है ना, ये इसी चीज़ के लिए तो आता है आदमी। एक माइन, एक मिनट रुको, ये क्या तीन चेस्ट है क्या एक ही जगह पे? नहीं ना, एक माइन शाफ्ट में आदमी क्या ढूंढने आता है भाई? टॉर्च, और क्या, टॉर्च ही तो वो चीज़ है जो हमें जिंदा रखी हुई है। तो गाइज फाइनली भाई मैं अपने सामान के पास गया, मेरे को लगा था सारा सामान चले गया, ये बढ़िया है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बाहर ही लेके चलते हैं, अब यहाँ से निकलते ही हैं। और एक मिनट रुको, अच्छा आ गया ना मेरे पास, मैं आया कहाँ से था भाई, मुझे वो भी देखना पड़ेगा ना, मैं माइन शाफ्ट में कहाँ से गिरा था, मैं कहीं से गिरा था रे ऊपर से, अब मैं आने का रास्ता भी खो गया क्या? नहीं नहीं, मिल गया। ओके चलो गाइस फटाफट से ऊपर चलते हैं, सारे दोस्तों से वापस मिलते हैं, और उसके बाद अपना आर्मर बना के निकलते हैं भाई सीधे। आज अगर रोनी सही हो गया ना भाई, मज़ा आ जाएगा भाई गॉड। तो गाइस मेरा सारा सामान जितना भी था ना वो स्मेल्ट होके तैयार हो चुका है, पहले मैं देख लेता हूँ एक बारी कोई। अरे भाई भाई यार ऐसे नहीं, 2 HP बची हुई भाई, खाने पीने का कुछ सामान नहीं, रुको जरा मैं पूछ लेता हूँ इन लोगों से कि इनके पास, एक मिनट इसको, अच्छा रोनी मजा आ रहा है दोस्त घूमने में? मार देगा वो सबको, मार देगा क्या पागल गाइस तुम सबका हो गया क्या सामान जमा? पिक्सल, ओ जैक, हाँ हाँ हो गया, एक मिनट जैक, एक मिनट ये जैक क्या शेयर से खोदेगा क्या इसको? रुक जा मैं मदद कर देता तुझे, तो देख मैं कितना अच्छा देख रहा तू, ठीक है एक मैंने रख लिया, क्योंकि क्यों रखा होगा मैंने एक जैक, वो टैक्स कटा है बेटा तुम्हारा टैक्स, आओ दे दो भैया, बड़ा बदतमीज आदमी है, मेरे को तो लगा था और जाओ खुशी खुशी वो करेगा, आ जा ऊपर चढ़ के आ जा ऊपर, आ जा आते रहना ठीक है जैक को बुली कर देता हूँ, आ जा मजाक कर रहा हूँ। अरे भाई भाई पागल है क्या? वो भी क्या पूछने वाली चीज है भाई, पागल ही तो है वो। आजा जैक आ जाओ भाई, आजा चलते ऊपर, मैं भी आ गया नीचे। भाई यार कैसे पागलों के बीच में रहता हो भाई, कोई कहीं से धक्का मार देता वो तो अच्छा हुआ वहाँ पानी बचा हुआ था, वरना मर जाता अभी। अगर तूने दोबारा हाथ लगाया ना रोनी बहुत मारूंगा तेरे को, तू थोड़ा अपने हाथ पे कंट्रोल करना सीख, ठीक है? तो चलो मेरे पास अभी है 21, ठीक है 21 आयरन है मेरे पास, एक पैंट बना रहा हूँ मैं अपने लिए, एक हेलमेट बना रहा हूँ और एक बूट्स बना रहा हूँ, ठीक है देर वी गो, मेरा हो गया आयरन का। ये ले मैं तेरे लिए लेके आया हूँ डायमंड की स्वॉर्ड जैक, ये ले पीछे पड़ी तेरे, ले ले उसको जा, खाली शेयर से मारेगा भाई, बेइज्जती तो हमारी होगी ना भाई यहाँ पे कि शेयर से मार रहा है तुम्हारा बंदा एक, अब चाहे कुछ भी हो वो निकम्मा है पर है तो अपना ही लड़का ना। चलो ये हो गया, अभी क्या करना है बस, मेरे पास 4 आयरन और बचा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो बताओ, कुछ बनाना है किसी के लिए तो बताओ, 4 आयरन बचा हुआ है मेरे पास, 4 आयरन, थोड़े से खाने के बदले में दूंगा मैं ये 4 आयरन, याद रखना। अगर तुम्हारे पास मेरे जूते, हाँ जूते जूते चाहिए खाना दो, जूते लो खाने दो, जूते लो खाना दो, ये क्या स्वॉर्ड दे रहा है भाई, चलो बढ़िया, थैंक यू भाई डायमंड की स्वॉर्ड देने के लिए जैक, थैंक यू यार। अरे मजाक करो ले ले भाई, मैं तेरे लिए लाया तेरी स्वॉर्ड चुराऊंगा मैं, अगर तू मुझे खाना देगा तो मैं तेरे को 4 आयरन दूंगा, एक जूता, अबे एक जूते के बदले में कम से कम 4 आयरन के बदले में 8 ब्रेड तो देनी चाहिए तूने बेशरम, अबे आयरन दे रहा हूँ सब मरेंगे। अरे यार इसको लिखना किसने सिखा दिया भाई, हाँ वेरी गुड, ये हुए 7, एक और चाहिए होगा मेरे को, हाँ बस ये क्या ही गणित करता है यार तू, मजा ही आ जाता है यार, जैक मैथ्स का प्रोफेसर बन जाना, ये ले ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये जैक भैया ने सूट अप कर लिया। चलो दोस्तों निकलते हैं, पिक्सी गाइड अस ब्रो, दिखाओ हम कोई नहीं बता यार इसके हाथ, ओ भाई कहाँ जा रहा है, वहां नीचे गिर जाएगा, चल पिक्सल आगे चल, हमको ले चल, ये दोनों को रहने दे यहीं पे, यहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है भाई, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट दिख रहा है, तब से चले जा रहे, इधर जाना है, किधर किधर जाना है, ये अंधेरे में जाना है, इधर कहाँ अंधेरे में,
इधर इधर भाई, मैं नहीं घुस रहा इस केव में, तेरे को जाना, तू जा भाई, पागल है क्या? सब मर जाएंगे, अंदर मत जाओ। अबे यार इसका मुंह बंद कराओ। जाना तो सबको पड़ेगा लेकिन। क्या यहाँ अंदर? हाँ इधर ही। यार चलो फिर, रुके क्यों? अबे ये कहाँ आ गए भाई? अबे तुम दोनों कहाँ जा रहे? रुक जाओ भाई। अबे यार ऑलमोस्ट जैक के ऊपर पड़ी थी। रॉनी रॉनी पीछे को आ जा दोस्त, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ रॉनी भैया। अरे ये क्या था भाई? अरे पिक्सल भाई, ये कौन सी केव में घुसेड़ दिया भाई? सबको जितना आसानी से नहीं मिलता ना, अगर इधर से जाना है तो इधर से जाना पड़ेगा हमको। अरे यार ये क्या बोलता आधे टाइम, मेरे को वो समझ में नहीं आता, बतख सी शक्ल का। अरे इधर से जाना है तो इधर से जाना पड़ेगा, कहने सब मरेंगे। अरे इसको लिखना किसने सिखा दिया यार? अब ये यही लिखते भाई। यार मेरे पास रहो भैया। हाँ जैक साथ में रहियो भाई। ये तो मतलब क्या, जो वो जो रुइंस वाली केव है, हम वहाँ आ चुके हैं? ये रुइंस वाली केव है? हाँ यही लग तो रही है, इधर से थोड़ा हमको घूम के जाना पड़ेगा बस। ओके तो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो एक काम करते हैं, सुन रॉनी 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 यहाँ पे रुकना ठीक है, थोड़ी देर थोड़ी देर यहाँ पे रुकना। जैक तू इसका ख्याल रखना ठीक है, ये कहीं नहीं जाना। यार इसको रखूँगा तो भाई ये दोनों ही गायब हो जाएंगे। पिक्सल तू थोड़ी देर यहाँ पे रॉनी के साथ रहना ठीक है, देखना रॉनी कहीं भागे ना ठीक है। वो देख उसको देख, उसको देख कहाँ जा रहा है। अरे रुक जा भाई, यार सुअर लेके चढ़ गया, मरेगा, सुअर को भी मारेगा। चल जैक फटाफट मेरे साथ आ, देख के आते क्या चल रहा है यहाँ पे। भाई ये क्या जगह है और यहाँ पे क्या चल रहा है ब्रो? हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा? भाई मेरे को नहीं पता था इतनी ज्यादा स्पूकी जगह पे वो सारे सामान मिलेगा हम लोग। ओके सर सॉरी यार, माफ करो। द टेम्पल, ये कौन सी जगह है भाई? भाई साहब भाई यहाँ पर तो डेंजर के साइन लगे हुए हैं, पर अब रॉनी को सही करना है तो जाना ही पड़ेगा। भाई तू साथ में है ना जैक? कोई नहीं बचेगा। अरे यार इसको किसने लिखवा दिया है? मैं इससे पर बॉम्ब। ओए ओ भाई ये क्या, हमें नीचे जाना है क्या? भाई वहां पे लाइटर लिखा हुआ है कोने पे, जैक आराम से। अरे ये क्या था, मैं मर गया? व्हाट? ओके हम लोग को बहुत देखते हुए चलना पड़ेगा आई गेस। ओ भाई अपनी आधी एचपी हो गई है एक सेकंड में, ये क्या हुआ? अरे यार कैसी जगह पे लाके फंसा दिया, यहाँ करना क्या यार? ओके ओ मैं समझ गया, ये फिर यहां से यहां। ओ भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यार, हम लोगों को यहां से गाइस नीचे उतरना है। ओके ध्यान से बहुत ध्यान से करना पड़ेगा यार, कहां लाके फंस गए भाई हम लोग। यहां से नहीं जाना है, उधर से जाना है भाई। आई तो गाइज आई थिंक हम लोगों को यहां से जाना पड़ेगा अगर हम लोग। ओके आधी एचपी है मेरे पास, जैक भैया भी यहीं पर है। भाई हम लोगों को अगर रॉनी को बचाना है तो हम लोगों को यहां से होते हुए जाना पड़ेगा, बट मुझे बस यही क्वेश्चन है कि हम लोग रॉनी को लाइक यहां से लाएंगे कैसे अगर ये इतना ज्यादा कठिन है तो? भाई रॉनी अपने सही माइंड में नहीं है अगर वो यहां पर से आना चाहता है तो। यार मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है और कैसे हम लोग ये चीज करने वाले। रुको यहाँ पर मैं टकरा चुका हूँ एक बार, देयर वी गो साइड से। बस अब यहाँ से कहाँ रुको जरा, मेरे ख्याल से मे बी हम लोगों को। ओ भाई क्या बचाऊ मैं। ओके हम लोगों को इनको खोलते हुए चलना है भाई। यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हमारे पास आधी एचपी है, कहने का मतलब है अगर हम लोग कहीं पे भी हल्का सा भी गिर गए ना। ओके शेयर्स मिले मेरे को, मे बी हम लोगों को इसको खोल के निकलना है। आई होप कोई तरीका हो जिससे हम लोग रॉनी होने को भी यहाँ से। ओ भाई ये कौन सी जगह है? ओके ओ तो क्या ये बटन से, तो क्या ये बटन से हो जाएगा? हो भाई एक बटन दबा के हम लोग कहाँ आ गए? ए पिक्सल ये सही जगह तो है ना भाई? हाँ हाँ बिल्कुल सही जगह ही है।
भाई यार कहाँ से कहाँ आ गए भाई। चलो अभी ये स्नो, अरे भाई स्नो वाले, अरे ये कौन भाई, ये वही बकरी जो डंडे मारती है भाई ऐसे। मिनट जाना भाई, जाना कहाँ आप? ओ ये कौन है, ये कौन है, ये दो कौन है? What? ये दो इस केव के चौकीदार है। कौन सी केव भाई? ओ रोनी रोनी, ए इसके ऊपर हम खड़े हैं। पीछा पीछा बस आएगा क्या ये, ये क्या हम लोग केव के ऊपर खड़े हैं? बिल्कुल केव के ऊपर ही खड़े हम। ये एंडर गॉड की केव है क्या? हाँ हाँ वही है, इधर से छुप के जाना पड़ेगा बस थोड़ा। भाई ये दोनों ना सुन, ये दोनों आगे देख रहे हैं ठीक है, चुपचाप चलते हैं ठीक है, चुपचाप एकदम। रोनी रोनी तेरे को ना और पत्थर दूंगा नीचे आके ठीक है, चुपचाप आना बिल्कुल ठीक है, चुपचाप चलो 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 ठीक है, चुपचाप एकदम, ज्यादा आवाज मत करना। ऑलमोस्ट देख लिया था मेरे को, यार ये नमूना पिटवाएगा किसी दिन, देखना इतनी जोर से आवाज कर रहा ना। अरे ये क्यों आ गया यहाँ पे? तुम लोग एक काम करो ना, ऊपर से ही कूद जाओ और आवाजें निकाल लो थोड़ी। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, भाग गए भाई, क्या ही भागे, और यहाँ पे क्या ही अंधेरा हो रहा है भाई। भाई ओ ये क्या चीज है नीचे, व्हाट? पर नीचे जाना कैसे है? जंप डाउन हैव फेथ, एक मिनट रुको, जंप डाउन हैव फेथ। जैक जैक यहाँ ना जैक, ये देख रास्ता यहाँ से, यहाँ पर आइयो, यहाँ पर आइयो मेरे, हाँ यहाँ पर आ, यहाँ पर आ, यहाँ पर, ये देख जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हाँ घूम के घूम के। अब यार देखो एक लाए हैं तो फिर उसका पूरा फायदा भी उठाए ना, आ जा जा आ जा जैक आ जा, हाँ ये देख यहाँ से रास्ता है ठीक है, यहाँ से हल्का सा कूद जा बस आगे को, जा जा जैक जा, जंप डाउन हैव फेथ ठीक है, रास्ता है यहाँ पर नीचे यार, मेरे को पता है तेरे को सबसे आगे भेज रहा है ना, तू सबसे बड़ा वॉरियर है हमारा, जा जा जैक जा, कूद जा, ये मर गया भाई है। व्हाट वो भाई, ओ भाई, ओए आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ भाई, यहाँ तो मस्त ट्रैम्पोलिन लगा हुआ है भाई। ओ भाई ये क्या जगह है यार, व्हाट, अरे ये सब क्या है और ये क्या गिर रहा है इसके, हाँ ओ ये किसी को समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है? भैया बचाओ, अरे क्या हो गया इसको? अबे यार ये इन सब चीजों में फंसा, तेरे पास स्वर्ड है ना, स्वर्ड से काट उसको। क्या भाई यार क्या ही बोलूं यार, अभी भैया बचाओ बल, कॉबवेब में फंस रहा है, स्वर्ड इसी के हाथ में है डायमंड की। भाई ये सब क्या चीजें हैं, दो जने हैं, एक घर है, घर के ऊपर हरा, क्या है ये क्या है यार, व्हाट, दो जने हैं और पांच जने लड़ाई जैसी हो रही है, ये क्या चल रहा है भाई, ये सब क्या है? ओए पिक्सल तेरे को कुछ आइडिया है कि ये सब क्या है, ये क्या है भाई, कासल जैसा है, कोई बंदा खड़ा है और ये क्या है भाई, पत्थर मार रहे लोग, तलवारें मार रहे हैं, व्हाट ये सब है क्या भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये सब हमारा ही तो पास्ट है, भूल गए आप? आओ इधर आओ मैं बताता हूँ, हमारा पास्ट है यहाँ पर रुइंस पे, ये क्या है? हमने कम्युनिटी हॉल बनाया था और हमको पेड़ पे कौन दिखा था? अरे हाँ ना, ये कम्युनिटी हॉल हम लोग बना रहे थे, ये मैं हूँ, ये पिक्सल है, ये रोनी है, और ये पेड़ के ऊपर हम लोगों को यार हीरो, नाम नहीं, नाम मत लेना, मर जाएंगे सारे। हाँ नाम नहीं ले सकते, हाँ ना याद आ गया, यही तो है वो। चलो अब मेरे पीछे आओ भाई, ये क्या जगह है, यहाँ पे हमारा ही पास लिखा हुआ है, व्हाट, और ये क्या है, ये क्या है, ये याद है हम विच हाउस गए थे एक्सप्लोर करने? अरे हाँ ना यार याद आया, ये मैं और रोनी है और ये विच हाउस है जहाँ से वो सब कुछ स्टार्ट हुआ था, और ये वही है जिसका हम लोग नाम नहीं ले सकते। और ये आपको याद है ये वाला क्या, ये वॉर हुई थी, ओ हाँ ना ये ग्रेट वॉर का है भाई, यहाँ क्या ही खतरनाक वॉर हुई थी हमारी एसएमपी में भाई साहब, पुराने पुराने एंडरवर्ल्ड में भाई साहब। और लास्ट में हम फिर ये क्या, ये मेरे समझ में नहीं आया यार,
जब हम उसके कासल गए थे। ओ यस भाई, ये था हमारा लास्ट सिनेरियो उसके साथ जब हम उसके कासल में गए थे। ये मैं हूँ, ये मैं तो नहीं भाई, ऐसे लचक के तो नहीं खड़ाऊंगा, ये गारंटीड पिक्सल है भाई। और ये रॉनी है, ये मैं हूँ, और ये गारंटीड यार कौन था हमारे साथ, आई थिंक क्यूकम्बर और अनफनी ओबामा, ये लोग थे हमारे साथ। तो ये हम पांच थे जब हम लोगों ने उसे फाइनली हराया था भाई, लास्ट टाइम इस SMP पुराने वर्ल्ड में। कितनी गंदी ड्राइंग है ये भैया। अरे यार जैक, यार पुराने ज़माने की ड्राइंग है वो, उनके पास क्या पेन पेंसिल थोड़ी ना होते थे, कोयले से करते थे वो सारा काम। पता नहीं कोयले से भी नहीं करते होंगे वरना तो मिट जाता। ये ग्रीन कौन है? ये बेटा तू शुक्र मना कि तूने इसको कभी देखा नहीं, ये ग्रीन कौन है? ओ अब जाके मैं समझा ये सारी बातें, ये क्या कर रहा है वहां पे। लेकिन ये सब क्या है? ओ हाँ पिक्सल, ये सब क्या है? लेकिन ये सब देखने से तो करंट इवेंट्स लग रहे हैं अभी। जैसे देखो मतलब अभी आप, जो हमारे साथ अभी हुआ है ये सब है। हाँ जैसे अभी आप देखो वर्ल्ड में आए थे, आपको फिर मार दिया गया था, ठीक है। ये गारंटीड एंडर गॉड है भाई, कासल के ऊपर, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद फिर आप जो और रोनी मिलके कासल के पास तक गए थे, ये वो हाँ उधर का है। वो ये मैं और रोनी है भाई। और फिर उसके बाद इधर देखो, इधर आप और रोनी हार के नदी में थे और रोनी पागल हो गया। वो हाँ ये देखो, ये कोई ये रोनी है मतलब। फिर ये हम चारों किस्मत से मिल गए, ये उसका वो दिखा रहे हैं। पर ये इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर आ रहा है हमारा प्रेजेंट? और इधर हम रोनी को जैसे ला रहे हैं सुअर पे, ये वो व्हाट, दिखाया है इन्होंने इधर। ये कैसे हो रहा है? बट यार ये तो अभी हुआ है, और क्या है और और क्या है? ये देखने से लग रहा है हम चारों एंडर गॉड से लड़ रहे हैं। चारों, 1 2 3 4, यहाँ तो पांच जने हैं, ये पांचवा कौन है? पांचवा पता नहीं, मुझे नहीं पता। अरे भाई यार तुझे कुछ पता है क्या यहाँ पर भाई? कुछ भी पूछो, नहीं पता नहीं मुझे, पता। मैं फ्यूचर थोड़ी देख सकता हूँ, तो अभी का मुझे सब पता है। तो मतलब हम लोग वापस से अंडर गॉड से लड़ेंगे, बट हम पांच जने होंगे अगर ये सच हुआ तो। और ये क्या है भाई, इनकी क्या इंक खत्म हो गई थी क्या भाई? इतना गहराई डीप दिख भी नहीं रहा भाई, आंखों में जोर लग रहा है। कोई बंदा मरा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रही है, कोई दो बंदे आग के पास नाच रहे हैं, और कोई नीचे पड़ा हुआ है। भैया ये कुछ महंगी चीज लग रही है। ओह नहीं, हाथ भी मत लगाना, जा किधर आ, इधर आ। ये गुफा बहुत खतरनाक लग रही है मेरे को, इस पे गलती से हाथ भी मत लगाना, ठीक है? चलो यार चलते हैं फिर यहाँ पर से। एक मिनट, ये सुअर खाली है, पिक्सल रोनी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो आपको ये सब दिखा रहा था, मैंने नहीं देखा उसे। अबे तो रोनी है कहाँ? नहीं, 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 नहीं!